तिगरौली में एसडीएम से निकलने वाले राखड़ के कारण रास्ते से गुजरने वाली भारी भरकम वाहनों और ओवरलोड वाहनों के निकलने से पूरे रोड में राखड़ फैली नजर आ रही है। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों से नाराजगी के साथ जाहिर की है और मामले में जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लेने पर धरना देने की बात कही है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि कई बार लिखित रूप से आवेदन दिया गया है, नगर निगम को जैसे ही सूचना मिली आनन फानन में उस स्थल पर जाकर साफ सफाई की गई है। बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने बात के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? माननीय कलेक्टर महोदय, मैंने उसे शिकायत दर्ज करा दिया। माननीय एसपी साहब से भी शिकायत पत्र के माध्यम से करा दिया। माननीय टीआई साहब को भी दर्ज करा दिया। माननीय कमिश्नर साहब को बराबर करा दिया। आज 15-20 दिन पहले भी यही राखड़ का हाल था। पूरे वार्ड में हमारे घूम प्रशासन की कमजोरी है। प्रशासन अगर जा ले एक पत्ता नहीं हिल सकता। हम लोग चाहते हैं प्रशासन से माफ करते हैं, ये पुनः इन पर सबसे पहले कार्रवाई करें। जो रात भर ट्रैक्टर चल रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। राखड़ नहीं, ये मॉब हम लोग का आ रही है, ये देख रहे हैं क्या हाल थी। मरने का ही काम है। बार बार हम लोग पार्षद से शिकायत करते हैं, बार बार बोलते हैं, हमने पत्र लिख दिया है, जो कि पत्र उनके लिखने के बाद भी कुछ ये चीज़ नहीं हो, बंद हो रहा है।